हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है आपके फेवरेट रिएक्शन चैनल में। और आज हम लेके आए सीतारामम का पोस्ट पोस्ट इंटरवल सीन का रिएक्शन। एंड अभी तक जैसे हमने देखा किस तरीके से यहाँ पे एक पोस्ट इंटरवल में ना हमने उसके मतलब जो हमने सीन देखा था वो तो था। उसके बाद हमने देखा कि इस तरीके से वो पूरा भारत घूमते हैं एंड साथ में वो एक एक अपने जो जिन्होंने उनको लेटर लिखे उनसे जाके मिल के आते हैं, बात करते हैं। कितनी स्पेशल चीज़ है वो। और लाइक उनको पहली बार फैमिली मिली थी तो उन्होंने सारी फैमिली से मिल के आए हैं। एंड फिर लास्ट में कैसे वो जो लड़की थी जो उनकी बहन थी वो ब्रॉथल में थी तो उसको छुड़वाया भी वहाँ से एंड उसके लिए सारे पैसे भी दिए उसको छुड़वाने के। सो ये सारी चीज़ें वो उनके लिए करते हैं। तो मेरे ख्याल से इससे पता चलता है कि वो दिल के कितने ज़्यादा अच्छे हैं। उनको फर्क नहीं पड़ता कि भाई उनको पैसे सेव करने थे क्या, जबकि वो सामने से बता के आए थे कि भाई मेरे पास पैसे हैं तभी तू मेरे से शादी करियो। और अभी ऐसा उन्होंने दे दिया अपना पैसा। लेकिन नूर जहाँ को तो ऑफकोर्स पैसे की कोई कमी नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। सो देखते हैं अभी आगे क्या होता है। हाँ, और जिस तरीके से वो सब अपने एक एक जने से मिलने जा रहे थे, ऐसे लगा था रियल में उनकी फैमिली। ऐसा लग नहीं रहा था ना कि मतलब वो उनको सिर्फ इतने टाइम से सिर्फ उससे लेटर से बात कर रहे हैं और वैसे। और लास्ट में उनको अपनी सिस्टर मिलती है जो जिस तरीके से सिचुएशन में थी, उनको निकाला जितने भी रुपए थे उससे, ऐसे पता चलता है उनका बॉन्ड जरूरी ब्लड में नहीं है बट तो भी इतना स्ट्रांग है कि मतलब उनको अपने सारे पैसे दे के छुड़वा सकते हैं वो। इट्स अ वेरी बिग थिंग। आजकल ऐसी स्टोरीज मिलना लाइक इटली डिफिकल्ट है। इतने साफ लोग यार, लिटरली इतना प्यारा चीज होना यार। लाइक पता नहीं क्या ये क्या एक फिक्शनल स्टोरी है क्या स्टोरी है, लेकिन जो भी लिखी है ना इतने प्यार से लिखी है ना, इतने बहुत अच्छे से बनाई गई है। सो देखते हैं अभी आगे क्या होता है। तो आप भी देखो, हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। राम ये वाइंदी अद्दे लो नी को ओके कदा अद्दे इल्ला रेंटेड हाउस अकाउंट लो ने डब्लू ने आई पुआई ఇప్పుడు సొంత ఇల్లు ఎలా కొంటా? మళ్ళీ ఎప్పుడు కనిపిస్తావు? రేపు రాత్రి 10 గంటలకి అప్పుడే నా ట్రైన్ వస్తావు కదా? హా తో బోలో ఎదురు చూస్తుంటాను యార్. ఉస్ టైం బినా ఫోన్ కి ఎంత డిఫికల్ట్ ఉండగా సీత తనకి ఎప్పటికీ దూరం అవ్వలేనంత దగ్గర అయింది. ప్యాలెస్ లో అడుగు పెట్టింది. ఓ సో మెన్ ప్రిన్స్ ఓమన్ కి ప్రిన్స్ నే హోగా. ప్రిన్స్ లెటర్ ఆయా. హా I'll speak to you later. Is there any good news, Mr. Akbar? Sorry to say this, Your Highness, but we have instruction to tell this directly to Princess Noor Jahan. Okay. Mi annaya ratrantha nidrapoledu. Nenu kuda. Neeku no ela cheptadu. Tappakunda oppukoni untadu. And wo sikai dar hai. Noor Jahan, come. Agar na bol diya to inka काम हो जाएगा इजी। तो मुझे लगता नहीं है कोई कैसे बोलेगा ना इनको। Who can say no to Noor Jahan? Mr. Akbar, not only prince, all Oman is waiting for you, your highness. Oh no. तेलसुगा बदलु राधनी। एंड वो जब गए तो आई भी नहीं। दिल दुख रहा है। मधु तेरे गिरावनी। ऑफिशियल लेटर। राम को एक फाइनल गुड बाय नहीं मिला। अरे यार सर कल रहा हूँ। ये क्यों भाग रहा है? मारने की कोशिश कर रहा है। कैसे काम करेगा वो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज उनकी। वैसे राम की दलसा नहीं तेली दो, वो भी अलग ही सैडनेस है देखा जाए तो। ओमान लो फाइनेंशियल क्राइसिस रावड़ में इंदी राम सीता विड़पोड़ में इंदी वालो विड़पोयर ने एवर चुपरु कल सना रा इतला लव में बी ब्लाइंड बट द पीपल अराउंड आर नॉट। ओह ఇదో రిపోర్టర్ సన్యాసరావు గారు శాలరీయా మాట్లాడడం ఖర్చు గురించిన మాటలు నాకు వినబడవని నీకు తెలుసు కదయ్యా. మీ పేపర్ సర్క్యులేషను నా జీతం పెంచే ఫోటోలండి అవి. ప్రిన్సెస్ నూర్ జహాన్ వీడెవడు? అనామకుడికి ప్రిన్సెస్ నూర్ జహాన్ తో ప్రేమాయణం. మార్తాండం ఇది కదా న్యూస్ ప్రింట్ కొట్టించు బదాయో.
In tomorrow's newspaper, there will be an article. The Prince of Oman is getting married to Noor Jahan. Do you mean it's not true? Of course it's not true. Can we hear the same from the princess? I have to explain to Sultan. No. Did you see the news, Noor? Princess Noor Jahan is in love with a common man, huh? Don't worry about this news. It's a fake news. I'll take care of it, okay? నువ్వు ఇది అబద్ధమని చెప్తే తను వినాలనుకుంటున్నాడు. అబద్ధమని చెప్పు నూర్. ఎంత ఇంపార్టెంటో నీకు తెలుసు. చిన్న తప్పు జరిగినా కూడా అబద్ధమని చెప్పు నూర్. ప్లీజ్. I'm sorry, Mr. Akbar. This is the truth. Oh! Please convey my sincere apologies to your prince. With your permission. I'm sorry. నీకు ఈ విషయం ముందే చెప్పాల్సింది. నువ్వే మాట్లాడుతున్నావు నీకు తెలుస్తుందా? ఎవడా కామన్ మ్యాన్? నూర్. హలో. సీతామలక్ష్మి గారితో మాట్లాడాలి. రామ్ చెప్పు. జస్ట్ నీ గురించే చెప్తున్నాను. కాల్ చేసావు. రామ్, కెన్ ఐ కాల్ యూ లేటర్? ఓ సో తబ్ హువా థా. ఇండియన్ ఆర్మీ? హావ్ యు గాన్ మ్యాడ్? Yes, I'm mad. నూర్. నేను రామ్ ని పెళ్లి చేసుకోవటం వల్ల నువ్వు లాస్ అయ్యేది డబ్బే అయితే you can take my entire property. Hey, neeku nijanga pichche. I'm worried about you and our family honor. No, you are worried no. about wealth. Yevar kosame bodulukuntunnavu telsa? Tu fila matladu. Yes. You'll be glad. How can you do this to? If you have any problem, you can call me Sita. Woo! Bahut badhiya tha yaar ye. If you have any problem, you can call me Sita. And do not forget to send a thank you note to the reporter. He's done me a great service. Yes. यही आ गई वो सीधा ही. आमी कैंप में सीधा आने दिया. सो ब्यूटीफुल यार. वाह. नी दगर उद्योग चेंदा मनी. सो फाइनली मिल गए. नहीं नका अनाथ नहीं कहते कदा. वाह. फाइनली एक सीन की हैप्पी एंडिंग हुई है बिकॉज यहाँ पे ये हुआ है कि ये लोग फाइनली मिले हैं. एंड यार कितना उसके बाद हमने सॉन्ग भी देखा है. बहुत प्यारा सॉन्ग है जिसे दिखाया गया. एंड कैसे मतलब इनका हुआ लाइक पहले वहाँ पे इनका फाइनल हो गया था उधर जाना, लेकिन वहाँ पे इन्होंने वो रिपोर्टर इनका भला कर दिया ये न्यूज़ लीक करके, जिसकी वजह से वहाँ पे क्वेश्चंस उठने लगे और इन्होंने फिर मना कर दिया. इनके भाई ने भी बहुत इजीली जाने दिया. मुझे लगा था कि बहुत स्ट्रिक्ट होगा, बिल्कुल ऐसा होगा कि नहीं तू नहीं जा सकती, ये वो बंद कर देंगे, लेकिन वैसा नहीं था मेरे ख्याल से. क्योंकि ये खुद भी एक प्रिंसेस थी तो इनको भी आपको रेपुटेशन के साथ ही ट्रीट करना था. आप ऐसे इनको नहीं ट्रीट कर सकते थे कि भाई ये तो बस ऐसे ही है, और उस वजह से ये अपने वैल्यू दिखा पाए. उन्होंने कैसे सब अपनी प्रॉपर्टी सब छोड़ दी. इन्होंने बोला कुछ नहीं, मेरे को बस राम के साथ जाना है, वो 600 रुपए की सैलरी में मैं खुश से रह लूंगी एंड एंजॉय कर लूंगी, बिकॉज मेरे को पता है वो मेरे को कितना प्यार करेगा एंड कैसे हम लोग साथ रहेंगे. तो यार ये एक ट्रू लव स्टोरी है अभी तक तो यार बहुत दिल खुश हो गया देख के. सही में यार सो मैजिकल. हाँ, दिस सॉन्ग वाज सो मैजिकल. इवन इन कश्मीर की वादियां एंड ऑल दिस, कितनी ब्यूटीफुली मतलब पिक्चराइज किया गया इसको, पूरी स्टोरी को भी दिल भर आया मेरा तो. पूरा ड्रीम लैंड टाइप है सब चीज. हाँ. है एंड इवन वो प्रिंसेस की तरह वो जैसे वो भागते हुए आ रहे हैं, उनके बाल लहराते हुए आ रहे हैं, बहुत प्यारा लग रहा था. एंड इवन वो जो सॉन्ग भी था उसमें उनके अलग अलग जगह पे उनको जिस तरीके से दिखाया गया, लाइक वहाँ लेक के ऊपर उन्होंने प्रॉपर ऑरेंज पहना हुआ है एंड फिर वहाँ पे आइस के ऊपर उन्होंने व्हाइट पहना हुआ, जबकि आप व्हाइट के ऊपर व्हाइट पहनोगे नॉर्मली नो रेकमेंड नहीं करते, लेकिन वो और भी ज्यादा सुंदर लग रहा था. और जब सीता जब जैसे आए मतलब राम के पास कोई मिलने आया और जैसे ही सीता दिखी उसे, वो कैसे मतलब उसे चला नहीं जा रहा था, लाइक वो जस्ट फॉलोइंग, पर दो भी उसकी तरफ देख के वो जस्ट भाग रहा था. ही वाज सो इमोशनल एंड सो डिप्राइव्ड टुवर्ड्स हर. एंड उनकी भी कितनी प्यारी लग रही थी उस टाइम, वो क्रीम कलर साड़ी एंड सो सीन की तो प्यारा था वो. सही मैन, वो टाइम का अगर आप लव सोचो तो यार लिटरली कितना जबरदस्त होता होगा. हाँ. क्योंकि ना आप कॉल कर सकते हो, कॉल आप बहुत रेयरली कर सकते हो, मैसेज आप कर नहीं सकते, आप कैसे किसी से टच में रहोगे, और इतने इतने टाइम बाद मिलना करना, सिर्फ एक ट्रस्ट पे जिंदगी चलती थी. yeah. कि भाई बस मेरे को विश्वास है वो मेरा वेट कर रही है और वो है और वैसे, और वापिस आके मिलो तो वही वो खुशी मिलेगी. अभी तो एक दिन मैसेज नहीं करो तो लोग बोल रहे थे मैसेज नहीं किया, फोन नहीं किया, ये नहीं किया, इतनी चीजें होती है. तो यार एक वो ट्रस्ट जो था ना वो भी धीरे कम होता रहा. ऐसे ही जब आगे जाके VR वो सब आ जाएगी चीजें कि आप एकदम आमने सामने रह सकोगे, तब तो ऐसा होगा कि ये 5 मिनट के लिए कहाँ गए, है ना, तब तो वो ट्रस्ट और खत्म होता जाएगा.
पर यार ये बहुत कमाल की लव स्टोरी थी, तो आप लोग कैसा लगा आप लोग अच्छा जरूर बताएगा, इसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए, सब्सक्राइब करते जाइए। बाय।